नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बहुत दिनों से हम एक टॉपिक का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उस टॉपिक को हमने जनरेट कर लिया है और उस टॉपिक का नाम है दक्षिण अमेरिका। और इस टॉपिक यानी कि दक्षिण अमेरिका पर ही आज के इस वीडियो में हम अपनी चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम ग्लोब में घूमते हुए ग्लोब में देखते हैं, तो आप येलो कलर में जब इस आकृति को देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप देखने को मिलता है। और आज के इस अपने वीडियो में हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जानेंगे, दक्षिण अमेरिका में सम्मिलित देशों के बारे में जानेंगे और उनकी स्थलीय आकृति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और दक्षिण अमेरिका में सम्मिलित देशों में क्या क्या महत्वपूर्ण है यह भी जानने की कोशिश करेंगे और उनकी कहाँ पर लोकेशन है, क्या उनकी मैपिंग है, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आप जानेंगे कि इस वीडियो के अंत में आप कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर जरूर गए हैं। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि जब आप हम मैप पे देखते हैं, कोई मैप अगर हम देखते हैं तो यहाँ अगर हम दक्षिण अमेरिका को खोजें तो आपको यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखने को मिल जाता है। और आज के इस वीडियो में इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इस विस्तृत वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि अगर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थलीय आकृति की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित एक महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की अगर बात करें तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का चौथा स्थान है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कैरिबियन सागर स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर देखने को मिलेगा। यदि हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में आपको प्रशांत महासागर देखने को मिल जाता है। और जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है यह पनामा नहर से अलग होता है। लेकिन अगर पनामा देश की बात करें तो पनामा देश उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यह पनामा नहर से अलग होते हैं। अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी भाग की तो दक्षिण अमेरिका का दक्षिणी भाग है टेरा डिफ्यूगो, जो कि मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि से जुड़ा हुआ है। अगर हम मैप की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर होगा टेरा डिफ्यूगो और यही मैगलन जलसंधि के द्वारा इसकी मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। अगर दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणी बिंदु है केप होर्न, जो कि अर्जेंटीना देश का भाग है। तो इतना आपको याद रखना है। और दक्षिण अमेरिका के मध्य से मकर रेखा गुजरती है, यह आप देख रहे हैं यह डॉटेड लाइन, यही मकर रेखा है और दक्षिण अमेरिका के मध्य से गुजरती है। और इसी मकर रेखा पर दक्षिण अमेरिका के चार देश स्थित हैं। कौन कौन? चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, यह चार देश हैं जो कि मकर रेखा पर स्थित देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से एक रेखा और गुजरती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा, यह देख रहे हैं यह भूमध्य रेखा है, यह भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है और यह अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। इस भूमध्य रेखा पर तीन देश स्थित हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो यह आपको याद रखना है कि भूमध्य रेखा पर स्थित तीन देश हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, और मकर रेखा पर स्थित चार देश हैं, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील। और इन दोनों में एक देश कॉमन है जिसका नाम है ब्राजील। ब्राजील देश से होकर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। आगे बढ़ते बात करते हैं हम कि अगर हम दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और पश्चिमी द्वीप समूह को मिला दें तो इसे कहा जाएगा लैटिन अमेरिका, यह पूछा जाता है। तो इसमें हमने दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और पश्चिमी द्वीप समूह को मिला दिया तो बन गया वह लैटिन अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है जो कि संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, इसके पश्चिमी भाग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको एंडीज पर्वत श्रेणी मिलेगी और यह संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है जो कि सात देशों में फैली हुई है। इतना आपको याद, इसके बारे में याद रखना है। अगर हम एंडीज पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई की बात करें तो एंडीज पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई 6,440 किलोमीटर है। इतना भी आपको याद रखना है। अगर हम एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, इसकी सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है और यह चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है।
अगर हम बात करें डायरेक्ट पैसेज की, तो डायरेक्ट पैसेज आपको दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के मध्य में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट पैसेज आप देखेंगे यहाँ अर्जेंटीना के नीचे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट पैसेज देखने को मिलेगा। अगर हम दक्षिण अमेरिका में सम्मिलित देशों की बात करें, तो यहाँ पर इस महाद्वीप में 15 देश शामिल है। मैप में देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं, पहले तो नाम जान लेते हैं। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, पराग्वे, उरुग्वे, गुयाना, वेनेजुएला, सुरीनाम, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, फ्रेंच गुयाना, फोकलैंड द्वीप और गैलापागोस द्वीप। इन 15 देशों को हम अब मैप में जानने की कोशिश करते हैं। तो यह आप देख रहे हैं, यह ब्लैंक मैप है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप है। और इसमें अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे ब्राजील देश को। तो आप देखेंगे यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश यहाँ पर स्थित है ब्राजील। इसके बाद हम बात करेंगे तो इसी के नीचे आपको मिल जाएगा पराग्वे देश, फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगा उरुग्वे, इसके बगल से ही हम बात करें तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको अर्जेंटीना, यहाँ पर मिलेगा आपको फॉकलैंड द्वीप समूह। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह लंबा लंबा सा आपको एक देश देखने को मिलेगा, इस देश का नाम है चिली देश। इसके बाद इसी के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको बोलिविया, बोलिविया से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेरू, और पेरू से ऊपर जब चलेंगे तो यहाँ पर आपको इक्वाडोर देखने को मिलेगा, और इक्वाडोर देश के साइड में ही आप देखेंगे प्रशांत महासागर में तो यहाँ पर आपको गैलापागोस द्वीप देखने को मिलेगा। अगर इक्वाडोर के उत्तर में देखें तो उत्तर में एक देश देखने को मिलेगा जिसका नाम है कोलंबिया, और कोलंबिया के ही उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मिलेगा वेनेजुएला, और वेनेजुएला से आगे बढ़ेंगे तो फिर हमें देखने को मिलेगा गुयाना, गुयाना से आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद मिलेगा सुरीनाम, और सुरीनाम के बाद आएगा फ्रेंच गुयाना। तो यह 15 देश के नाम है, यह आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमने देखा ब्राजील देश को, इसके बाद पराग्वे चले, पराग्वे से सीधा पहुंचे उरुग्वे, उरुग्वे से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप से चिली, चिली के बाद पहुंचे हम बोलिविया, बोलिविया से पेरू, पेरू से इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद गैलापागोस द्वीप, गैलापागोस द्वीप से चले तो कोलंबिया पहुंचे, कोलंबिया से वेनेजुएला, वेनेजुएला से गुयाना, गुयाना से सुरीनाम, और सुरीनाम के बाद फ्रेंच गुयाना पर हम पहुंचे। अगर हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु की बात करें, तो दक्षिण अमेरिका की जलवायु का निर्धारण अक्षांशीय विस्तार, भू आकृतिक, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर से होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का विस्तार उष्ण तथा समशीतोष्ण दोनों कटिबंधों में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में विषुवत रेखीय जलवायु, सवाना जलवायु, पेरी जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, मरुस्थलीय तथा भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगर हम विषुवत रेखीय जलवायु की बात करें, तो अमेजन द्रोणी में हमें देखने को मिलेगी विषुवत रेखीय जलवायु, यहाँ पर वर्षा वन पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में सेलवास कहा जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। सवाना जलवायु इस महाद्वीप के पूर्वी उच्च भूमि में पाई जाती है, और यहाँ पर लानोस और कंपास नामक घास भूमियां पाई जाती हैं। अगर बात करें हम यहाँ की पेरी जलवायु की, तो पेरी जलवायु में पंपास नामक घास भूमियां पाई जाती हैं, और यहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष भर होती रहती है, तो यह भी आपको याद रखना है। और सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाले वन व घास के मैदान को ग्रांड चाको कहते हैं, तो इतना आपको याद रखना है कि उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाने वाले वन व घास के मैदान को ग्रांड चाको कहते हैं। अब दक्षिण अमेरिका के हम नदियों की बात करेंगे, तो लंबाई की दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और यही नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन नदी की कुल लंबाई 6,922 किलोमीटर, तो यह भी आपको याद रखना है। और अमेजन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसका नाम है मेडीरा, तो यह भी आपको इसके बारे में याद रखना है। और अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, तो यह भी आपको याद रखना है। दक्षिण अमेरिका की अगर अन्य नदियों की बात करें, तो यहाँ पर पराना, पराग्वे और उरुग्वे नदी है, और इन्हीं तीनों नदियों यानी कि पराना, पराग्वे व उरुग्वे को सम्मिलित रूप से मिला दें, तो इसे हम रियो डी ला प्लाटा के नाम से जानते हैं। तो यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पराना, पराग्वे और उरुग्वे को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रियो डी ला प्लाटा। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात,
यह वेनेजुएला देश में स्थित है और ओरिनोको नदी की सहायक नदी केरो नदी पर यह स्थित है। आप देख रहे हैं मैप में, यह है एंजेल जलप्रपात जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है। अब इससे आगे बढ़ के बात करते हैं, यहाँ हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कृषि खनिज व उद्योगों की बात करेंगे। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुल भूभाग के सिर्फ 10% भाग पर ही कृषि का कार्य किया जाता है। अर्जेंटीना और उरुग्वे देश में कृषि योग्य भूमि सबसे अधिक है। दक्षिण अमेरिका में गेहूं, मक्का और कहवा आदि प्रमुखता से उत्पादन होता है। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर। ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर संसार में कहवे का सबसे बड़ा उत्पादन समूह है। विश्व के 3% गेहूं का उत्पादन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में होता है। गेहूं के प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो यहाँ पर अर्जेंटीना, मध्य चिली और उरुग्वे, यह गेहूं के सबसे बड़े उत्पादन के समूह हैं। चिली में नाइट्रेट और तांबा का उत्पादन होता है। और इसके बाद अगर हम बात करें वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला में पेट्रोलियम पदार्थों की प्राप्ति होती है। अब हम दक्षिण अमेरिका के देशों की बात करेंगे। अभी तक जो हमने 15 देशों को मैप में देखा, उन्हीं 15 देशों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके मैप को भी हम देखते हैं। तो हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के देशों की। तो सबसे पहले जब जो हमने देश देखा था वो था ब्राजील, और सबसे पहले हम ब्राजील की ही बात करते हैं। तो ब्राजील, ब्राजील की जो राजधानी है वह है ब्राजीलिया, और ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित देश है। आप अगर मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको उत्तर पूर्वी भाग में मिलेगा, इस देश का नाम है ब्राजील। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राजील। चिली और इक्वाडोर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी अन्य 10 देशों की सीमाएं ब्राजील देश से मिलती है। सिर्फ चिली व इक्वाडोर, यह दो देश इसमें छूट जाते हैं। मैप में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इक्वाडोर मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा चिली। इन्हीं दो देशों को छोड़ के अन्य 10 देशों की सीमाएं ब्राजील देश से मिलती है। अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि जो मकर रेखा है और विषुवत रेखा है, यह दोनों ही ब्राजील देश से होकर गुजरती है। ब्राजील की अगर जलवायु की बात करें तो ब्राजील की जलवायु जो है वह उष्ण भी है और आर्द्र भी है। तो यह आपको देखना है कि यहाँ की जलवायु उष्ण और आर्द्र है। ब्राजील देश से ही विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जो नदी है वह अमेजन नदी, यह प्रवाहित होती है। रियो नेग्रा, मेडीरा तथा टोका नटीनस इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, और जो मेडीरा है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर हम आगे बात करें तो अमेजन नदी के अतिरिक्त अगर दक्षिण अमेरिका के ब्राजील देश की बात करें तो यहाँ पर पराना, पराग्वे और जिंगू नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन कौन? पराना, पराग्वे व जिंगू नदियां। साओ फ्रांसिस्को नदी भी यहाँ पर प्रवाहित होती है क्योंकि दक्षिण से उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ के अमेजन बेसिन की बात करें तो यहाँ के अमेजन बेसिन में एनाकोंडा सर्प पाया जाता है, और इसी कारण ब्राजील देश को सांपों का देश कहा जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मुख्य रूप से कॉफी, गन्ना, कोको, तंबाकू, केला और रबर की खेती की जाती है, तो यह आपको याद रखना है। ब्राजील जो है विश्व में कहवे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कहवे की टोकरी के नाम से ब्राजील देश को जाना जाता है। कॉफी पोर्ट सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है, और यहीं से सबसे ज्यादा कहवे का निर्यात होता है। इसके अलावा मक्का, कपास, सब्जियों और फलों की खेती भी ब्राजील देश में होती है, तो कहवे की टोकरी के नाम से ही ब्राजील को जाना जाता है। कॉफी पोर्ट सेंटोस बंदरगाह को कहा जाता है। और ब्राजील और दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है साओ पोलो, और साओ पोलो में ही सबसे ज्यादा कहवे का उत्पादन होता है, तो यह भी आपको याद रखना है। साओ पोलो दक्षिण अमेरिका और ब्राजील का सबसे बड़ा शहर भी है, और कहवे का सर्वाधिक उत्पादन भी यहीं पर होता है। अगर हम ब्राजील देश की बात करें तो ब्राजील में लोहा, मैग्नीज व अभ्रक के बड़े भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर इताबिरा लोह अयस्क खनन क्षेत्र है। अमापा खान ब्राजील में ही स्थित है, और यहाँ से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। ब्राजील में वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग भी विकसित अवस्था में है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका की फैशन सिटी के नाम से जाना जाता है रियो डी जेनेरियो, यह ब्राजील देश में ही स्थित है। ब्राजील के कहवा बागानों को फाजेंडा कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि ब्राजील के कहवा बागानों को क्या कहा जाता है, तो ब्राजील के कहवा बागानों को
हजेंडा कहा जाता है। इसके अलावा जो ब्राजील देश है वह सर्वाधिक जैव विविधता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो यह आपको याद रखना है। और पृथ्वी की 30% ऑक्सीजन उत्पन्न करने के कारण अमेजन वन को पृथ्वी के फेफड़े की संज्ञा दी जाती है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर जो बात करने वाले हैं उस देश का नाम है पराग्वे। तो चलिए पराग्वे के बारे में बात करते हैं। तो पराग्वे की जो राजधानी है वह है असुनसियान और पराग्वे की जो मुद्रा है वह है गुआरानी। अगर हम पराग्वे की बात करें तो पराग्वे की सीमा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अर्जेंटीना देश से लगती है, पूर्व और उत्तर पूर्व में ब्राजील देश से और उत्तर पश्चिम में बोलिविया देश से लगती है। और जो पराग्वे देश है आप लोकेशन में अगर आपने देखा है इसकी जो लोकेशन है यह इसके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है और इसी कारण से दक्षिण अमेरिका का दिल कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का दिल कहलाने वाला जो देश है वह है पराग्वे, तो यह आपको याद रखना है। पराग्वे देश में पराग्वे नाम की एक नदी बहती है, तो आपको इतना याद रखना है जो पराग्वे नदी है पराग्वे देश की प्रमुख नदी है। और अगर आप मैप में देख रहे हैं तो पराग्वे आपने देखा होगा कि इसकी सीमा किसी भी महासागर से नहीं मिलती, यानी कि पराग्वे एक स्थलारुद्ध देश है, तो यह आपको याद रखना है। ब्राजील में दो ही देश ऐसे हैं जो कि स्थलारुद्ध है, एक तो पराग्वे हो गया और पराग्वे से ही लगा हुआ आप देख रहे हैं यहाँ पर बोलिविया मिलेगा, तो दो देश ऐसे हैं जो कि स्थलारुद्ध देश हैं। अब पराग्वे के बाद हम आगे बढ़ के बात करेंगे वह करेंगे उरुग्वे देश की। तो आप ये लोकेशन में देख पा रहे हैं यह उरुग्वे है, तो अगली हम बात करेंगे उरुग्वे की। उरुग्वे की अगर हम राजधानी की बात करें तो उरुग्वे की राजधानी है मोंटेवीडियो और उरुग्वे की मुद्रा है उरुग्वियाई पेसो। उरुग्वे की अगर हम सीमाएं की बात करें तो उत्तर में इसकी सीमा ब्राजील देश से, दक्षिण व पश्चिम में अर्जेंटीना से, तब पूर्व में अटलांटिक महासागर से उरुग्वे देश की सीमा मिलती है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित देश है उरुग्वे। अगर हम उरुग्वे देश की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से उरुग्वे मेरिम लैगून लियो निग्रा और रियो डी ला प्लाटा नदी प्रवाहित होती है, लेकिन दक्षिण अमेरिका के स्विट्जरलैंड की संज्ञा जो है वह उरुग्वे देश को दी जाती है। तो इतना आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका के स्विट्जरलैंड की संज्ञा किसे दी जाती है, वह दी जाती है उरुग्वे देश को। इससे पहले हमने देखा था दक्षिण अमेरिका का जो दिल कहा जाता था वह कहा जाता है पराग्वे को और दक्षिण अमेरिका का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है वह कहा जाता है उरुग्वे देश को। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगरीय देश उरुग्वे ही है, इतना आपको याद रखना है। और यह दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे छोटा देश भी है, इतना भी आपको इस बारे में याद रखना है। अब हम उरुग्वे के बाद बात करने जो वाले हैं उस बात की बात करेंगे, उस देश का नाम है अर्जेंटीना। आप मैप में देख लीजिए यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में स्थित देश है अर्जेंटीना और इसी के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना देश स्थित है और अर्जेंटीना की जो राजधानी है उसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की जो मुद्रा है उस मुद्रा का नाम है पेसो। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो है वह दक्षिणी भाग में स्थित है जिसका नाम है अर्जेंटीना देश। क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करें तो दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना, सबसे बड़ा देश तक ब्राजील, इसके बाद दूसरे नंबर पर इसका नाम आता है उस देश का नाम है अर्जेंटीना। अगर हम इसके अर्जेंटीना की पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा चिली, उत्तर में बोलिविया और पराग्वे, उत्तर पूर्व में ब्राजील और उरुग्वे देश स्थित हैं। अगर हम इसके पूर्व की बात करें तो पूर्व में मिलेगा आपको अटलांटिक महासागर और पश्चिम में आपको मिल जाएगा एंडीज पर्वत और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांका गुआ। अगर हम अर्जेंटीना की जलवायु की बात करें तो अर्जेंटीना की जलवायु जो है वह शीतोष्ण प्रकार की है और अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो यहाँ पर आपको जाने पर तापमान में गिरावट आ जाती है और पश्चिम की से अगर पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम चलें तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा में गिरावट आती जाती है। अर्जेंटीना के दक्षिण भाग की बात करें तो दक्षिण भाग में यहाँ पर आपको पेंटागोनिया शीत मरुस्थल मिल जाएगा और अर्जेंटीना की अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पर पराना, पराग्वे और उरुग्वे तीन नदियां हैं जिन जो कि अपना जल रियो डी ला प्लाटा में गिराती हैं और इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोलोराडो और नीग्रो नदियां भी बहती हैं। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर पंपास क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और अर्जेंटीना का हृदय पंपास घास भूमि को कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है, तो अर्जेंटीना का हृदय
पंपास घास भूमि को कहा जाता है। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो यह पशुपालन की दृष्टि से भी ज्यादा विकसित देश है, क्योंकि यहाँ पर पशुओं के लिए अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है। तो इतना आपको याद रखना है कि अल्फा अल्फा जो घास है वह अर्जेंटीना देश में उगाई जाती है। इसके अलावा अर्जेंटीना जो देश है विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है। इसके अतिरिक्त देशी सूती वस्त्र, पेट्रोलियम, ऊनी वस्त्र, चमड़ा उद्योग में भी अर्जेंटीना देश आत्मनिर्भर है। अब अर्जेंटीना के बाद हम बात करेंगे फॉकलैंड द्वीप की। तो फॉकलैंड द्वीप की अगर बात करें तो इसकी राजधानी स्टेनली है। यहाँ की मुद्रा फॉकलैंड द्वीप पाउंड है। और फॉकलैंड जो द्वीप है वह ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य विवादित है और अभी इस पर ब्रिटेन देश का अधिकार है। मैप में आप ये देख रहे हैं, ये है फॉकलैंड द्वीप। अर्जेंटीना के पास में ही स्थित देश है फॉकलैंड, जिसकी राजधानी है स्टेनली। यहाँ की मुद्रा है फॉकलैंड द्वीप पाउंड और ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य में यह विवादित है। तो यह आपको याद रखना है। अब फॉकलैंड द्वीप समूह के बाद हम बात करने वाले हैं चिली देश की। मैप में आप देख लीजिए, यह चिली की लोकेशन है और इसी की हम बात करने वाले हैं। जितना आप इस रेड कलर के घेरे में देख रहे हैं यहाँ पर आपको चिली देश मिलेगा। तो चिली देश की बात करते हैं, चिली की राजधानी क्या है? चिली की राजधानी है सैंटियागो। चिली की मुद्रा क्या है? तो चिली की मुद्रा है पेसो। और चिली और इक्वाडोर दो देशों की हमने बात ही की थी, जिसकी सीमा ब्राजील देश से नहीं लगती है। ब्राजील की सीमा 10 अन्य देशों से तो लगती है, लेकिन चिली और इक्वाडोर दो ऐसे देश हैं जिसकी सीमा ब्राजील देश से नहीं लगती है। विश्व की तामा राजधानी चिली की राजधानी सैंटियागो को कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो चिली के उत्तर में आपको मिलेगा पेरू, उत्तर पूर्व में बोलीविया, पूर्व में अर्जेंटीना और दक्षिणी छोर पर ड्रैग पैसेज स्थित है। पश्चिम में प्रशांत महासागर से चिली की सीमा लगती है। तो यह भी आपको याद रखना है। आपने अगर चिली का मैप ध्यान से देखा होगा तो इसके दक्षिणी भाग में कटे फटे भाग मिलते हैं, तो उन्हीं कटे फटे भागों को हम फ्योर्ड कहते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि फ्योर्ड तट किसे कहा जाता है, तो चिली देश के दक्षिणी तट जो कि कटे फटे भाग है इसी को फ्योर्ड तट कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है चुकी का माता, और यही चिली देश में स्थित है। इसके अलावा विश्व का नाइट्रेट का सबसे बड़ा भंडार जो कि अटाकामा शीतोष्ण मरुस्थल में स्थित है, यह भी चिली देश में स्थित है। अब चिली के बाद हमने मैप में देखा था, चिली से हम पहुंचे थे बोलीविया देश पे। तो अगली हम बात जो चर्चा करने वाले हैं उस देश का नाम है बोलीविया। तो आपने लोकेशन में देख लिया है यह है बोलीविया। बोलीविया की अगर राजधानी की बात करें तो बोलीविया की राजधानी है सुक्रे, और यहाँ का जो प्रशासनिक मुख्यालय है वह लापाज में स्थित है। और बोलीविया की राजधानी जो है, बोलीविया की जो मुद्रा है वह है बोलीवियन। बोलीविया दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थलारुद्ध देश है। हमने देखा था कि दक्षिण अमेरिका में से दो ही देश स्थित है जो कि स्थलारुद्ध है, एक तो है बोलीविया और दूसरा है पराग्वे, जिसमें बोलीविया सबसे बड़ा स्थलारुद्ध देश है। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज है, जो कि बोलीविया की प्रशासनिक राजधानी है, यहीं पर इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। बोलीविया के अगर पश्चिम की हम बात करें तो यहाँ पर बोलीविया के पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा एंडीज पर्वत। उत्तर और उत्तर पूर्व में इसकी सीमा मिलेगी ब्राजील से, दक्षिण पूर्व में इसकी सीमा मिलेगी पराग्वे से, दक्षिण में अर्जेंटीना से, और दक्षिण पश्चिम में चिली और उत्तर पश्चिम में पेरू देश इसके स्थित है। अगर हम पेरू और बोलीविया की बात करें तो पेरू और बोलीविया देश की सीमा पर स्थित है दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाटा झील। तो यह भी आपको याद रखना है कि पेरू और बोलीविया की सीमा पर स्थित है दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पोपो झील कहाँ स्थित है, तो पोपो झील भी बोलीविया देश में ही स्थित है। इसके अलावा बोलीविया की बात करें तो बोलीविया में टिन बहुतायत में पाया जाता है। अब बोलीविया देश के बाद हमने देखा था मैप में पेरू। तो आप देख लीजिए, ये है पेरू देश की लोकेशन, इसकी हम बात अगली स्लाइड में करने वाले हैं। तो ये है, आपने देख लिया पेरू। तो पेरू की अगर राजधानी की बात करें तो पेरू की राजधानी है लीमा, और पेरू की जो मुद्रा है वह है सोल। अगर पेरू की बात करें तो पेरू की सीमा उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया से, पूर्व में ब्राजील, दक्षिण पूर्व में बोलीविया, दक्षिण में चिली और पश्चिम में प्रशांत महासागर से इसकी सीमा लगती है। और पेरू देश में ही अमेजन नदी का उद्गम स्थल है। यह आपको याद रखना है कि पेरू देश में नदी अमेजन नदी का उद्गम स्थल है और यह बहते हुए
उत्तरी अटलांटिक महासागर में मिल जाती है और पेरू देश में एंडीज पर्वत श्रेणी भी स्थित है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो झील है वह टिटिकाका झील है, यह पेरू और बोलिविया की सीमा पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक मछली पकड़ने वाला देश भी पेरू है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ के उद्योगों की बात करें तो खनन, इस्पात, धातु निर्माण, मछली प्रसंस्करण, कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण, यह यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। अब हम पेरू के बाद बात करने वाले हैं इक्वाडोर की। यह आप देख रहे हैं इसकी लोकेशन, यह है इक्वाडोर देश। अगर इक्वाडोर की बात करें तो इक्वाडोर की जो राजधानी है वह है क्विटो। इक्वाडोर की राजधानी क्या है तो इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। इक्वाडोर की अगर हम सीमा की बात करें तो उत्तर में इसकी सीमा मिलती है कोलंबिया से, पूर्व और दक्षिण में मिलती है इसकी सीमा पेरू से, पश्चिम में इसकी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। और इक्वाडोर और चिली दो ऐसे देश थे जिसकी सीमा ब्राजील देश से नहीं लगती है। ब्राजील देश की सीमा 10 अन्य देशों से लगती है, लेकिन दो ऐसे देश हैं जो कि इक्वाडोर और चिली, इनकी सीमा ब्राजील देश से नहीं लगती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो भूमध्य रेखा इक्वाडोर देश को दो भागों में विभाजित करती है और इसी से इसका नाम इक्वाडोर हुआ। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत जो है वह इक्वाडोर में ही स्थित है और इक्वाडोर के पश्चिम में एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है गैलापागोस द्वीप। और अब इसके बाद हम बात करेंगे गैलापागोस द्वीप की। तो दुनिया के सबसे बड़े आकार के कछुए होते हैं जिन्हें हम ओलिवर रिडले के नाम से जानते हैं और ओलिवर रिडले कछुए का मूल स्थान जो है वह गैलापागोस द्वीप है। तो इतना आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़े आकार का कछुआ होता है ओलिवर रिडले जिसका मूल निवास स्थान गैलापागोस द्वीप है। और गैलापागोस द्वीप पर इक्वाडोर देश का ही अधिकार है। प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास स्थित है गैलापागोस द्वीप और यूनेस्को की एक विश्व धरोहर स्थल है गैलापागोस द्वीप। मैप में आप देखिए ये है इक्वाडोर देश और इक्वाडोर देश के इसी साइड आपको यहां पर मिलेगा आपको गैलापागोस द्वीप समूह देखने को और इस पर इक्वाडोर देश का अधिकार है। और यह है सबसे बड़े आकार के कछुए जिनका नाम है ओलिवर रिडले जो कि गैलापागोस द्वीप इसका मूल स्थान है। अब गैलापागोस द्वीप के बाद हम बात करेंगे कोलंबिया की। मैप में देखिए ये है आप कोलंबिया। कोलंबिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा और कोलंबिया की जो मुद्रा है वह है पेसो। अगर कोलंबिया देश की बात करें तो कोलंबिया देश की सीमा पूर्व में वेनेजुएला और ब्राजील से, दक्षिण में इक्वाडोर और पेरू से, उत्तर में कैरेबियन सागर से और उत्तर पश्चिम में पनामा नहर और पश्चिम में प्रशांत महासागर से लगती है। प्रशांत महासागर के अग्निवला क्षेत्र में स्थित होने के कारण इस देश में ज्वालामुखी उद्गार अधिक होते हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। अब कोलंबिया देश के बाद हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला देश की। यह आप देख रहे हैं यह वेनेजुएला देश है। वेनेजुएला देश की जो राजधानी है वह कराकस। वेनेजुएला की जो मुद्रा है वह वेनेजुएला बोलिवर। वेनेजुएला की अगर सीमा की बात करें तो पूर्व में इसके गुयाना, दक्षिण में ब्राजील, पश्चिम में कोलंबिया, उत्तर में कैरेबियन सागर और उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से वेनेजुएला की सीमा मिलती है। वेनेजुएला के उत्तरी भाग में मेरा कारिबो झील है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञात तेल भंडार है, इतना आपको याद रखना है। और वेनेजुएला देश में ही विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल वाटरफॉल है जो कि ओरिनोको नदी की सहायक नदी केरो नदी पर स्थित है। अब वेनेजुएला के बाद हम बात करने वाले हैं गुयाना की। मैप में देखिए यह है गुयाना। गुयाना की जो राजधानी है वह है जॉर्ज टाउन। गुयाना की जो मुद्रा है वह गयानी डॉलर। अगर हम गुयाना की सीमा की बात करें तो उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में सुरीनाम, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में ब्राजील और पश्चिम में इसकी सीमा वेनेजुएला देश से मिलती है। अगर गुयाना देश की बात करें तो गुयाना देश में भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है और गुयाना की अगर प्रमुख नदी की बात करें तो गुयाना की प्रमुख नदी है कुरनटाइन। अब गुयाना देश के जस्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा सुरीनाम। यह आप देख रहे हैं यह है सुरीनाम की लोकेशन। अगर सुरीनाम की राजधानी की बात करें तो सुरीनाम की राजधानी है पैरामारिबो और सुरीनाम की मुद्रा सुरीनामी डॉलर है। सुरीनाम की अगर सीमा की बात करें तो सुरीनाम की सीमा पूर्व में मिलती है फ्रेंच गुयाना से, पश्चिम में गयाना से और दक्षिण में इसकी सीमा ब्राजील से और उत्तर में अटलांटिक महासागर से इसकी सीमा लगती है। सुरीनाम जो है
और दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। यह आपको याद रखना है कि जो सूरीनाम है या क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अगर सूरीनाम की मुख्य भाषा की बात करें तो सूरीनाम की मुख्य भाषा तो डच है, किंतु यहाँ पर भोजपुरी का एक रूप है जिसको कहते हैं सूरीनामी हिंदी, तो इस देश में सूरीनामी हिंदी भी बोली जाती है। अब सूरीनाम देश के बाद हम बात करने वाले हैं फ्रेंच गुयाना की। तो फ्रेंच गुयाना की अगर हम बात करें तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी जो है वह है काइन। फ्रेंच गुयाना जो है वह फ्रांस देश का एक उपनिवेश है और यहीं पर फ्रांस देश का एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। मैप में देखिए ये है फ्रेंच गुयाना और इसी पर फ्रांस देश का अधिकार है। इसकी सीमा सूरीनाम और ब्राजील से लगती है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके उत्तर में आपको अटलांटिक महासागर मिल जाएगा और यहीं पर फ्रांस देश का एक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो आया हो पसंद तो आप हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत